लॉन्ग वॉक रन में, जब लॉन्ग डिस्टेंस रन के लिए बीच में आपको स्टिफनेस आ जाएगा, किधर आ जाएगा वो मैं बताती हूँ। ये अपना काफ मसल्स होते हैं, पिंडिया उधर आएगी, क्वाड्स में आएगी, हैमस्ट्रिंग में आ जाएगा और एंकल, ये जो है वो मेन आपको प्रॉब्लम करेगा। और हाथों में, क्योंकि कंटिन्यूज आप वॉक करते हो, तो मैंने आगे के वीडियो में दिखाया कि आप प्रिपरेशन करना वैसेलिन के एसक्यू लगाने के, क्योंकि कंटिन्यूज हमारा हाथ ऐसे रहेगा तो इधर वो रबिंग होता है, दैट्स व्हाई वी पुट पेट्रोलियम जेली और वैसेलिन लाइक दिस। सो अभी बीच में हमें जो जब भी स्टिफनेस आता है, तो एवरी 5 किलोमीटर ट्राई टू स्ट्रेच योर काफ मसल। हाउ विल यू डू, क्रॉस राइट लेग है उसको लेफ्ट लेग के ऊपर ऐसे रखिए क्रॉस में, फिर लॉक योर फिंगर्स अप, स्ट्रेच ऊपर की साइड, फिर ये किया 30 सेकेंड्स तक होल्ड करना है, फिर 30 सेकेंड्स राइट में, 30 सेकेंड्स लेफ्ट में, फिर 30 सेकेंड्स, 30 काउंट्स, 30 सेकेंड नीचे जाना है और अपने टो को पकड़ने की कोशिश करनी है, तो इधर स्ट्रेचेस आएगा आपको पीछे थाइस के, राइट ऐसे। तो ये आप रास्ते पे खड़े रह के भी कर सकते हो, सेम भी आपको लेफ्ट लेग से करना है। ये हुआ पहले ऊपर, फिर राइट लेफ्ट एंड डाउन, तो आपका काफ मसल्स, ये हैमस्ट्रिंग, और दूसरा दिस इज फर्स्ट एक्सरसाइज, सेकेंड वन ये राइट लेग है उसको हमें ऐसे रखना है एंड ट्राई टू होल्ड, ये नी बेंड नहीं होना चाहिए, ट्राई टू होल्ड योर टोज एंड काउंट वन, जितना आप नीचे जाओगे नीचे तक जा सकते हो इधर तक, तो आपको काफ में स्ट्रेच मिल जाएगा, सेम वे लेफ्ट साइड। तो दिस इज नंबर टू, सेकेंड एक्सरसाइज इजी। नंबर थ्री हमें करना है साइड स्ट्रेचेस, तो बीच में 5-7 किलोमीटर के बाद आपको ऐसे करते रहना है। फोर्थ वन, कोई भी फुटपाथ के ऊपर आप है तो फुटपाथ की बॉल या कुछ भी छोटा सा ऐसे रखना है लाइक दिस, और फॉरवर्ड मूव फॉरवर्ड, काफ में आपको स्ट्रेच आएगा, सेम वे लाइक दिस। और ए भी नहीं मिलता है तो कैसे करना है, थोड़ा आगे पांव रखना है एंड बैंड, तो ये काफ मसल्स में पूरा स्ट्रेच मिल जाएगा लाइक दिस, देखिए डिस्टेंस इधर से इधर। सो दिस इज योर फोर्थ, फिफ्थ वन आपको रहना है स्क्वाट्स पोजीशन में और गिव स्ट्रेचेस टू योर हैमस्ट्रिंग लाइक दिस, जस्ट 30-30 काउंट्स। तो 5 किलोमीटर के बाद, 5 किलोमीटर के बाद आप 5 मिनट और स्ट्रेच कर लीजिए, फिर ये रखा हिप्स बाहर और डाउन, हो गया। दिस इज फिफ्थ या सिक्स जो भी है, देन लंजेस आगे लेग्स, ये पीछे एंड गो डाउन 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 जितना आप जा सकते, सेम वे अदर साइड कर लिया। तो ऐसी जो 5-6 एक्सरसाइज है जो बेसिक स्ट्रेचिंग है वो आप कर सकते हैं। बैक बेंड, बैक में आपको आया जैसे स्पाइन पे भी आपको पेन होता है, तो डू बैक बेंडिंग लाइक दिस, और बैक बेंडिंग करते हो तो तुरंत ही फॉरवर्ड बेंडिंग करना। तो ये 6-7 एक्सरसाइज याद रखिए, एंकल के लिए सिर्फ आप ऐसे घुमा सकते हो सपोर्ट लेके अपनी फ्रेंड्स के साथ, सेम वे अदर, हाथ को भी बीच बीच में ऐसे करते रहना। सो ऑल द बेस्ट, बहुत इजी एक्सरसाइजेस है जो स्ट्रेच आप कर सकते हो बीच बीच में 5 किलोमीटर्स, 4-5 किलोमीटर्स के बाद, जैसे आपको लगे मेरा पांव भर गया है सर, तभी आपको ये करना ही करना है, नहीं तो फिर आगे मूव नहीं होंगे। दूसरा, जिसको भी ऐसा लगता है कि अभी मैं ब्रेथलेस हो जाती हूँ, हो गई हूँ, तो आपको करना है ऑटो, ओके। ऐसा अपने शरीर को हम ही जानते हैं, राइट, वी नो आवर बॉडी वेल। सो ऐसा कभी भी कुछ लगे तो आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर दीजिए, आप अपनी तरफ से भी ऐसे व्हीकल लेके जा सकते हो, और हम मिलेंगे सिद्धि विनायक, बाय बाय।